अस्सलाम वालेकुम, एचएनएन न्यूज़ के साथ मैं हूं अब्दुल सत्तार। अब वक्त हुआ है लाइंस का। वज़ीरे आज़म इमरान खान का कहना है कि ऑपोजिशन रहनुमा कौम का लूटा हुआ पैसा वापस करे, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सक्खर में जाफराबाद के करीब उमैयना पुलिस मुकाबले में दो मुलजमान हलाक हो गए, जिनके कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया। विपक्षी काबीना ने केपी ज़िमनी इंतखाब में फ्रंटियर को खैबर पख्तूनख्वा की तायुनाती की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की सेक्रेटरी इत्तला शाज़िया मरी ने कहा है कि मुल्क से लूटी हुई दौलत अलीमा खान की सिलाई मशीन से निकली। कराची में PS88 के तमाम पोलिंग स्टेशन हसास करार दे दिए गए। जिले इंतजामिया ने पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर फौज की तायुनाती के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। विपक्षी वजीर इत्तला नशिया चिमली फराज ने कहा है कि हम आवाम की खिदमत के लिए आए हैं, रोबोट दबदबे के लिए नहीं। मुल्क भर में 30 नई एहतसाब अदालतें कायम कर दी गई, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि अम के लिए हमारी ख्वाहिश को हमारी कमजोरी न समझा जाए, पाक फौज हर किस्म के खतरे से निपटने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अजमा बुखारी ने कहा है कि नवाज शरीफ की तारीफें करने वाले अब PTI के तर्जुमान बन चुके हैं। भारत की रियासत महाराष्ट्र में इंतहाई संगीन लापरवाही का मुजाहरा करते हुए 12 बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरों के बजाय सैनिटाइजर पिला दिया गया।